मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 10, अनोखी चिड़िया। हम लोग इस पाठ को पढ़ चुके हैं, शब्दार्थ और वर्तनी अभ्यास लिखना हो चुका है। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न उत्तर। आप लोग इस पाठ को जरूर घर में पढ़िएगा। मैं आपको बोली थी लास्ट वीडियो में कि जरूर पाठ को पढ़िएगा, तभी आगे हम लोग काम करेंगे। तो आइए, आप लोग जानते ही हैं प्रश्न उत्तर को दो भागों में बांटा गया है, प्रश्न उत्तर मौखिक और प्रश्न उत्तर लिखित। तो आइए पहले हम लोग प्रश्न उत्तर मौखिक करते हैं। शब्दार्थ और वर्तनी अभ्यास लिखने के बाद आप लोग अपने हिंदी कॉपी में लिखिएगा प्रश्न उत्तर मौखिक, ठीक है? और डेट लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद यहाँ मौखिक लिखने के बाद पहला प्रश्न है, डाक से किसका पत्र आया? डाक से राजन चाचा का पत्र आया। आप लोग इस तरह से ही, बहुत ही आसान है, सब जितने भी प्रश्न है सब छोटा छोटा है और एक एक लाइन का है प्रश्न उत्तर मौखिक। ध्यान दीजिएगा इसलिए क्योंकि इसी के आधार पर आप लोगों का यूनिट टेस्ट होगा। तो किस तरह से पढ़ना है, एकदम अच्छी तरह से लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? दूसरा प्रश्न है, प्रश्न ख, रानी की रुचि किसमें थी? उत्तर है, रानी की रुचि पिक्चर पोस्टकार्ड संभाल कर रखने में थी। पिक्चर पोस्टकार्ड को आप लोग इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, संभाल कर रखने में थी। नंबर ग, कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड, हम लोगों का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी तरह से कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो उत्तर है इसका, नंबर घ का उत्तर है कीवी, सॉरी नंबर ग का उत्तर है कीवी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का स्पेलिंग देखिए, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ स टा संयुक्त है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग लिखते समय से, ठीक है? नंबर घ, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से पुकारा जाता है? न्यूजीलैंड के उत्तर होगा, देखिए न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवी के नाम से पुकारा जाता है। नंबर अंग, पांचवा पर प्रश्न है ये, कीवी का स्वभाव कैसा होता है? ठीक है, उत्तर है कीवी शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है, शर्मिला, ठीक है? तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा, कीवी शर्मीले स्वभाव की चिड़िया है। जब आप लोग लिख लीजिएगा प्रश्न उत्तर, फिर लास्ट में आप लोग लाइन ड्रॉ कीजिएगा। और अब तो आप लोग जेल पेन से लिखते होंगे, लिखते समय ध्यान रखिएगा जिससे गलती ज्यादा ना हो और काटना नहीं पड़े, कॉपी गंदा ना हो। प्रश्न लिखिएगा एक एक लाइन, एक लाइन छोड़कर फिर उत्तर लिखिएगा, ठीक है? तो इस तरह से प्रश्न उत्तर मौखिक हो गया। अब हम लोग प्रश्न उत्तर लिखित पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर मौखिक के बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्न उत्तर लिखित। आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा प्रश्न उत्तर लिखित, ठीक है? इसके बाद है प्रश्न उत्तर लिखित का पहला प्रश्न, प्रश्न का, कीवी की तस्वीर देखकर मोहित ने पापा से क्या पूछा? पाठ पढ़िएगा तो आपको इसका उत्तर पता ही होगा। कीवी की तस्वीर देखकर मोहित ने पापा से पूछा कि यह कौन सी चिड़िया है, ठीक है? एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो वाक्य जुड़ रहे हैं, यहाँ जो की है ये छोटी की मात्रा होगी, ठीक है? आप लोग बड़ी की मात्रा नहीं दीजिएगा, यहाँ छोटी की मात्रा। जब दो सेंटेंस इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, जो दो वाक्य जोड़ते हैं तो वहां छोटी की होती है, ठीक है? नंबर ख, कीवी की शारीरिक बनावट, सॉरी यहाँ बनावट मैं नहीं लिख पाई हूँ, एक सेकंड में लिख देती हूँ, कीवी की शारीरिक बनावट कैसी होती है? तीन चार वाक्य में लिखे, तीन चार वाक्य मतलब तीन चार सेंटेंस में हम लोग को लिखना है। शारीरिक बनावट मतलब वो देखने में कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग को लिखना है।
कीवी का शरीर गोल मटोल होता है। आप लोग पुस्तक में देखिए, इसका फोटो भी दिया गया है, आप लोग से देखिएगा, एक गोल जैसा है चिड़िया है बस, ठीक है। कीवी का शरीर गोल मटोल होता है, पूरा शरीर भूरे रंग के पंखों से ढका रहता है, और पूरा शरीर जो है छोटे छोटे पंख होते हैं, सॉफ्ट मुलायम, और उसी से पूरा शरीर ढका रहता है उसका। चोच लंबी और पैनी होती है, चोच जो है उसकी लंबी होती है, और पैनी मतलब नुकीला एकदम, जिससे वो कीड़े मकोड़े सबको मिट्टी से निकाल कर खा सके। टांगे छोटी होती है, उसके पैर जो है, टांगे मतलब पैर जो है एकदम छोटा छोटा होता है, जो दिखता भी नहीं, एकदम छोटा सा। और पूंछ जो है वो गायब होती है, पूंछ होता ही नहीं है, तो ये उसका शारीरिक बनावट हो गया। अब है नंबर ग, कीवी कहाँ रहती है और क्या क्या खाती है। कीवी घने जंगलों में रहती है, कहाँ रहती है, घने जंगलों में, इसे हम लोग पालते वगैरह नहीं है, ये अपने आप एक जंगल में रहती है, जिस तरह से मोर है, जिसे हम लोग मोर हमेशा क्या है, जंगलों में ही पाया जाता है। वह केचुए कीड़े मकोड़े और कंदमूल खाती है, वो क्या है, अपने चोंच जो उसका नुकीला है उससे मिट्टी को खोदती है, और उसमें कीड़े मकोड़े जो जो मिलते रहते हैं, केचुए अर्थवर्म जो भी मिलता है उसे वो खाती है। और कंदमूल जो जमीन के नीचे में जो फल होता है, कंदमूल, मूल मतलब जड़, उन सबको वो निकाल निकाल कर खाती है, ठीक है। नंबर घ, ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जो उड़ नहीं सकते और बताओ कि वे कहाँ पाए जाते हैं। ऐसे पक्षी जिस तरह से कीवी नहीं उड़ पाती है, उसी तरह से आपको और भी दूसरे पक्षियों के नाम लिखना है और ये बतलाना है कि वो कहाँ पाए जाते हैं। तो अब पुस्तक में या पाठ में दिया ही गया है, कीवी, एमू और रिया, उसका आप चित्र जरूर देखिएगा, लगभग सबका बनावट देखिएगा उसी तरह से है। और ये जो पक्षी है ये उड़ नहीं सकती हैं। एमू और रिया का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा रहता है, कीवी जो है छोटी छोटी पक्षी है। ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, ये जो सब जो चिड़िया है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की जब लिखिएगा, यहाँ आगत की मात्रा है, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं दीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार बतला रही हूँ, यहाँ जो है इस तरह से सिर्फ आगत की मात्रा ऐसे करके देना है, और यहाँ चंद्र बिंदु, अगर ऐसे दे दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आगत की मात्रा सिर्फ ऐसे करके ऐसे कर देना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। तो ये था प्रश्न उत्तर लिखित, इसी के साथ हम लोग का ये इस पाठ का प्रश्न उत्तर मौखिक और प्रश्न उत्तर लिखित खत्म हो गया। अगले पाठ, अगले कक्षा में हम लोग भाषा से पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।